मैं ये कह रही थी, सुनो, वो ना हाँ मम्मी का फोन आया था, उन्हें ना कुछ पैसों की जरूरत है, तो हेल्प कर दो। अरे यार, फोन करके ना मना कर दो उन्हें। हर बार का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, हुआ एक आधी बारी मना कर दी, जब मन करता है मुंह उठाया फोन कर दिया। मना कर दो, अभी बोल दो नहीं है पैसे। अरे पर उन्हें थोड़ी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए फोन किया। मैं बोल रहा ना, अभी के लिए मना कर दो बस। ठीक अब देखो कौन है बाहर यार। है, वो जरूर पिंकी आंटी होंगी। एक तो यार ये भी ना, पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, इनको हमेशा यहीं आना होता है। हाँ वो शायद आपसे कुछ हेल्प मांगने के लिए आ तो गए वही हैं। तो बोल रहा है यार, मोहल्ले में और भी लोग रहते हैं, आस पड़ोस और घर नहीं है क्या? कुछ जंगल में थोड़ी रह रहे हैं हम लोग। उनका जब मन करता है आके हमारी बेल मार देते हैं, कभी अस्पताल ले जाओ, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अब तो उन्हें बोल दो मैं नहीं हूं घर पे, मैं चला गया। पर आप तो यहीं बैठे हो ना, उन्हें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मैं चला आता हूं अंदर, आप उन्हें बोल दो, वो ऑफिस चले गए। पर मैं उन्हें ये तो बोल दूंगी कि आप हो नहीं, पर वो बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, वो तो समझ जाएंगे ना। तो बोल देना यार, वो ना पैर पहल की चोट लग गई थी तो वो ऑटो करके ऑफिस चला गया, नहीं है घर पे, मैं अंदर जा रहा हूं, अब बोल दो। ठीक है, परेशान किया हुआ है यार पड़ोसियों ने भी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, मन्नी है घर पे? नहीं आंटी, वो तो ना ऑफिस गए हुए हैं। आप एक काम करिए, आप अंदर आइए। आ जाओ आंटी, आ जाओ, बैठो आप। और आंटी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है बेटा, सब बढ़िया। मन्नी कहाँ गया है? मेरे को काम था उससे थोड़ा सा। आंटी वो तो ना ऑफिस गए हैं जरूरी काम से, घर पे तो नहीं है वो। वो ऑफिस गया है तो गाड़ी तो उसके बाहर ही खड़ी है। अरे आंटी वो ना आज गाड़ी से इसलिए नहीं गए, वो ना उनके पैर में ना कुछ चोट लग गई थी, तो इसलिए वो ऑटो करके ऑफिस चले गए। अरे ज्यादा तो नहीं लगी उसको? ठीक है ना वो? अरे नहीं नहीं आंटी, आप चिंता मत करो, उन्हें ज्यादा नहीं लगी, बस थोड़ी बहुत लगी है, इसलिए उन्हें ऑटो से जाना पड़ा ऑफिस। और आप बताओ आंटी, आपको कुछ काम था क्या? अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। ऐसे कोई खास काम नहीं था, वैसे ही मिलने आई थी उससे, मैं बात करने आई थी। अच्छा बेटा फिर मैं चलती हूँ। अरे आंटी बैठो ना, क्या चाय वाय बना दी, थोड़ी सी नहीं चाय चाय पी। है नहीं मैंने पीनी, फिर मैं आऊंगी तो उससे बात कर लूंगी, मिल लूंगी उसको। ठीक अच्छा है ठीक है बेटा, आंटी, नमस्ते नमस्ते आंटी। बेटा। चले गए आंटी? हाँ आंटी तो चले गए, और उन्हें ना शायद आपसे बहुत जरूरी काम था, पर आप हो कि छुप के यहाँ बैठ गए हो कि आपको किसी की मदद ना करनी पड़े। खैर कोई बात नहीं, चले गए वो। अरे एक बार मदद क्या कर दी, ये तो हर बार मुंह उठा के यही आ जाते हैं कि कोई भी काम है तो मन नहीं करेगा, हमेशा अस्पताल जाना है तो मन नहीं लेके जाएगा। ठेका थोड़ी ना ले रखा है यार, अपने भी तो काम होते हैं, हमारी भी तो अपनी लाइफ है, यही करता रहूंगा क्या अब मैं? अरे अब छोड़ो इस बात को, क्यों इस बात को इतना खींच रहे हो आप? खैर आप छोड़ो, अब तो वो चले ही गए हैं। आप ये बताओ, मैं आपके लिए लंच बना दूं? अरे नहीं, आप टिफिन पैक कर दो बस, मैं तब तक चेंज करके आता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकलूंगा यार, देर हो रही है। अरे अरे मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया, अरे वो पैर क्या एकदम हो से गया मुड़ पैर गया। में? लाओ मैं किसी किसी को देखूं। बुलाओ यार, किसी पड़ोसी को बुला के लाना, जरा अस्पताल ले जाएंगे मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ रुको जल्दी जल्दी, रुको बहुत रुको, मैं बुलाती हूँ। दर्द हो रही है यार। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बड़ी तेज आवाज आ रही थी, क्या हो गया? अरे आंटी आप तो हाँ, चले गए थे ना? अरे मैं फोन रह गया था, मैं फोन लेने आई थी तो शोर की आवाज सुनी। अरे हो आंटी गिर गए। तो गया तो अरे कुछ नहीं आंटी, वो बस ऑफिस के लिए जाना ही लगा था, वो एकदम से पैर मुड़ गया। वो ऐसे लग रहा है उसे मोच आई है। बेटा मोच आ गई है, तेल ले आ गरम करके, हल्दी डाल के तेल ले आ, तो ठीक है मल आंटी, ठीक देती हूँ। है मैं भी। कोई बात नहीं बेटा, आराम आ जाएगा।
दो तीन बार मलूंगी ना आंटी, आराम आ जाएगा। दो चार बार ना इसकी मालिश कर दियो कोसे कोसे तेल से, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आराम। अरे थोड़ा तो दर्द होएगा बेटा, थोड़ा सा दर्द होएगा, दो चार बार कर दियो इसकी तो ठीक हो जाएगी। अरे एक बार मदद क्या कर दी, ये तो हर बार मुंह उठा के यही आ जाते हैं। कोई भी काम है तो मन नहीं करेगा, हमेशा अस्पताल जाना है तो मन नहीं लेके जाएगा। ठेका थोड़ी ना ले रखा है यार, अपने भी तो काम होते हैं, हमारी भी तो अपनी लाइफ है, यही करता रहूंगा क्या मैं? अच्छा बेटा मैं चलती हूँ फिर, ध्यान रखना अपने पैर का। अरे रुको आंटी रुको, वो क्या हो गया? सॉरी आंटी। सॉरी किस बात का? अरे आंटी वो ना मैंने सिम्मी को बोला था कि आपको मना कर दे मैं घर पे नहीं हूँ, वो अगर आपको कोई काम है कुछ अस्पताल वगैरह जाना है तो सिमी ले जाएगी आपको, मेरे पैर में तो मोच आ गई। हाँ आंटी जी चलिए मैं ले चलती हूँ आपको हॉस्पिटल। नहीं मैंने अस्पताल वगैरह नहीं जाना, मेरे को कोई काम नहीं है, मैं तो वैसे मिलने आई थी तेरे को। अच्छा बेटा फिर मैं जा रही हूँ, मेरा जवाई आया मेरे को लेने, मैं यहाँ अकेली रहती थी तो अब मैं उसके पास रहूंगी परमानेंट। तो क्या कहते हैं, तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक रहना, खुश रहना, अपना ध्यान रखना, पैर का भी ध्यान रखना। जी जी आंटी, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अरे सुनो सिम्मी, बुना अपनी मम्मी से भी पूछ लेना, उनको कितने रुपए चाहिए थे तो ट्रांसफर कर देंगे, पूछ के बताना मुझे। हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। और छोटे छोटे बच्चों के कॉमिक्स आती थी, कुछ भी पढ़ने के लिए आता था तो हर चीज से शिक्षा मिलती है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, तो ऐसा भी झूठ मत बोलिए जो उल्टा नुकसान आपको ही पहुंचाए, है ना। जैसे कि इन्होंने बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई, ऐसा वैसा, तो वो सचमुच में हो गया ना। हालांकि ये तो एक स्टोरी थी, बट ये सिर्फ एक छोटा सा संदेश था कि अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो जरूर करिए। कोई आपके पास आया है चाहे वो छोटी हेल्प है जितनी भी, अगर आपकी गुंजाइश है आप वो कर सकते हो तो कर दो, हर बात पे झूठ मत बोला कीजिए, मोटी मोटी बात यही है। चलिए आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का बहुत वेट करते हैं, बहुत मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में भी, तो कमेंट्स करना। और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया तो लाइक कीजिए, मत जाना जरूर, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना, हम वेट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़े वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। स्टील वाले आए देखो मैं चलती हूँ। एक बारी और, एक बारी और। अरे अंगूठे में नेल्स ने टच करना छोड़ो, इधर करो जो नेल्स लग गए।